यूपी की लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर की मुसीबत बढ़ने वाली है। छतरपुर पुलिस ने सीधी पेशाब कांड के सोशल मीडिया पर गलत फोटो डालने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीधी में हुए पेशाब कांड मामले को आधार बनाकर लोकगीत गायिका नेहा सिंह द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट एवं ट्विटर अकाउंट पर एक मीम पोस्ट किया था, जिसमें एक व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा व्यक्ति उस पर पेशाब कर रहा है, जिसमें पेशाब करने वाले व्यक्ति को आरएसएस की पोशाक पहने हुए दिखाया गया है, जिस पर अधिवक्ता परिषद के मीडिया प्रभारी जेके आशु जुनेब खान आपत्तिजनक बताते हुए थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायती आवेदन देते हुए लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर की मांग उठाई। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से समझते हुए तत्काल ही लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। सबको बुरा लगा है ये पोस्ट देखकर और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, इसीलिए हम लोगों ने आज यहां पर पहुंचकर सिटी कोतवाली पहुंचकर एक आवेदन दिया और एफआईआर कराई। यहां पर उनके ऊपर 153A के तहत एफआईआर हो गई है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि नेहा सिंह की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन्होंने जो ये कृत्य किया है ये काफ़ी घिनौना कृत्य है। आरएसएस एक संस्था, समाज सेवी संस्था है, देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के हित में काम करती है और इस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, इससे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि एक ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट डाली गई है, जिससे दो समाजों के बीच में वैमनस्यता का वातावरण निर्मित हो रहा है। प्रथम दृष्टया इनके आवेदन पत्र पर 153A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि उक्त ट्विटर अकाउंट किसके द्वारा चलाया जा रहा है और साइबर सेल जानकारी लेकर प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।